तो दोस्तों Realme एक जबरदस्त तगड़ा प्रोसेसर वाला एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और जिसका नाम होने वाला है Realme Race। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रेस का मतलब है R फॉर Realme और एज। तो इस तरह से इस फोन को Realme एस या फिर Realme Race नाम से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ओप्पो ने कुछ दिन पहले ही चाइना में अपने एस सीरीज को लॉन्च किया था और इसके अंदर टोटल दो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे, जिसमें कि पहला स्मार्टफोन था ओप्पो एस और इसका सक्सेसर ओप्पो एस टू। हालांकि दोनों स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन अब ये स्मार्टफोन Realme के अंडर में आने वाला है। चूंकि Realme का पेरेंट कंपनी ओप्पो है, इसलिए ओप्पो ने इस सीरीज को Realme को प्रोवाइड कर दिया है, जिसे कि Realme इसे Realme Race या फिर Realme एस नाम से लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले इसी फोन के स्पेक्स और बाकी डिटेल के बारे में, और देखते हैं कि यहाँ आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है इस फोन में। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक मिनट में। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों ओप्पो का जो स्मार्टफोन आया था उसमें सर्कुलर शेप में कैमरा सेटअप देखने को मिला था, तो सेम Realme ने भी ऐसा ही कुछ डिजाइन Realme Race में दिया है। तो मिली हुई फोटो लीक्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लुक वाला डिजाइन दिया गया है, और ऐसा डिजाइन आपको Xiaomi के कुछ मोबाइल में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको सर्कुलर शेप वाला कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि ग्लासी लुक भी लग रहा है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे ये काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक वाला स्मार्टफोन है। और इसके अलावा फोन के नीचे एक छोटा सा Realme की ब्रांडिंग भी दी गई है। और कलर की बात करो तो यहाँ पर अभी व्हाइट कलर ही सामने निकल कर आया है, शायद फ्यूचर में आगे जाकर और कलर का खुलासा किया जाए। तो दोस्तों बात करें फोन के फ्रंट डिजाइन के बारे में, तो अभी इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली है, बट ज्यादा चांसेस है कि फ्रंट में इसके सिंगल पंच होल वाला ही डिस्प्ले दिया जाएगा। तो ओवरऑल लुक वाइज फोन काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम लुक देता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे फोन के सबसे इंटरेस्टिंग और बड़ी हाईलाइट इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालकम का फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है, क्वालकम स्नैपड्रैगन 888। जी हाँ दोस्तों, यह स्नैपड्रैगन 865 प्लस से काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, और इसके साथ ही स्नैपड्रैगन 888 5G के साथ आता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह इंटीग्रेटेड मॉडेम के साथ आएगा, जिससे कि बैटरी बैकअप में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सीपीयू परफॉर्मेंस, जीपीयू परफॉर्मेंस, इमेज परफॉर्मेंस या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस की, यह हर चीज़ में क्वालकम स्नैपड्रैगन 865 प्लस से काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड पावरफुल है। तो दोस्तों बात करें स्नैपड्रैगन 888 की, तो यह वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोसेसर है, और इनफैक्ट यह एप्पल के A40 चिपसेट को भी काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल Realme Race सीरीज में फ्लैगशिप डिजाइन के साथ तगड़ा वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर भी देखने को मिलने वाला है। परफॉर्मेंस के मामले में यह स्मार्टफोन एकदम फाड़ू स्मार्टफोन होने वाला है, और साथ ही साथ यह एक वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन भी होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप एक गेमिंग पर्पज से कोई स्मार्टफोन लेने वाले हैं तो Realme Race सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें फोन के वेरियंट्स के बारे में, तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि इसमें 12GB रैम के साथ 256GB का इंटरनल स्टोरेज दिया जाएगा, बट हो सकता है कि इसमें आपको 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा यह एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 11 के साथ Realme UI 2.0 वर्जन के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसके कैमरा सेटअप के बारे में। तो इस फोन के रियर में क्वाड ईयर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और ज्यादा चांसेस यही है कि इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड ईयर कैमरा ही दिया जाए, बट जैसे इसके कैमरे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और आगे बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, बट अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि इस फोन में 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। लेकिन यह एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो ज्यादा चांसेस है कि इसमें 120 या फिर उससे ज्यादा का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट दिया जाए। तो दोस्तों सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ ही साथ इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें फोन के अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात आ रही है इसके चार्जिंग के बारे में, क्योंकि इस बार न्यूज आ रही है कि इसमें 125 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और अगर हम देखते हैं Realme के बजट स्मार्टफोन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 20,000 के अंदर 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, तो इसलिए इस स्मार्टफोन में 125 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको 4500 mAh या फिर इससे ज़्यादा की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसको कि आप 20 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं इसके 125 वाट के फास्ट चार्जर से। तो दोस्तों ओवरऑल यह काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है, चाहे बात करें इसके परफॉर्मेंस की या फिर कैमरा की, डिस्प्ले की या फिर किसी चीज़ की, यह हर मामले में एक फुल्ली फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह फ़ोन आपको कैसा लगा, और इस फोन से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा।
और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हाँ अपने दोस्तों फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियो मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।